और ग्रामीण कैडर को मर्ज करते हुए और रिक्त पदों पर हमारे भाइयों को नियमित किया जाए। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, विवश होकर हम सेवारत चिकित्सक इनके लिए सरकार के खिलाफ हमें कोई कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों के धरने का 10वां दिन, राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ ने दिया समर्थन। पिछले 10 दिन से भीषण सर्दी में आयुर्वेद निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे विभिन्न जिलों के संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों के समर्थन में गुरुवार को राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सक संघ और राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ ने भी धरना स्थल पर शामिल होकर संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों को अपना समर्थन देते हुए उन्हें नियमित नहीं किए जाने पर आंदोलन में शामिल होने की चेतावनी दी है। राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मस्तराम महंत ने बताया कि भीषण सर्दी में अपने आप को नियमित किए जाने की मांग को लेकर आयुर्वेद निदेशालय के बाहर बैठे संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों के बारे में आयुर्वेद प्रशासन संवेदनशीलता नहीं अपना रहा, जिसे लेकर आज प्रदेश के चिकित्सकों ने उन्हें अपना समर्थन देते हुए 5100 रुपये की सहयोग राशि भी भेंट की है। साथ ही मुख्यमंत्री और आयुर्वेद मंत्री को जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने के लिए चेताया है। यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सक संघ और राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ भी इनके समर्थन में आंदोलन की रणनीति पर विचार करेगा। और मेरी पूरी कार्यकारिणी और पूरे राजस्थान के सेवारत चिकित्सक, हमारे जो भाई NHM से बैठे हुए हैं संविदा पे, जो उनको 10 दिन आज लगातार हो गए सरकार इनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही है, मैं सरकार से माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और हमारे आयुर्वेद मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, हमारा जो ग्रामीण कैडर है और जो ब्लॉक पे 174 जो हमारी पोस्टें दी गई है, उन सबको जोड़ते हुए और ग्रामीण कैडर को मर्ज करते हुए और रिक्त पदों पर हमारे भाइयों को नियमित किया जाए। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, विवश होकर हम सेवारत चिकित्सक इनके लिए सरकार के खिलाफ हमें कोई कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आयुर्वेद मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, आप इनके बारे में एक अच्छा सकारात्मक निर्णय लें, इनको साथ दें और राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ आज इन्हें नैतिक समर्थन के साथ 5100 रुपये नगद रुपये भेंट कर भी और सहयोग करेगा और करता रहेगा। वहीं राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सक संघ के महासचिव रंगनाथ शर्मा ने बताया कि संविदा कर्मियों ने ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक कैडर को शीघ्र मर्ज कर पदोन्नति करते हुए सीधी भर्ती की गुहार लगाई है तथा अपनी 5 सूत्रीय मांगे मनवाने के लिए गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आयुर्वेद मंत्री और मुख्यमंत्री चाहे तो इस समस्या का हल जल्द निकल सकता है, जिसमें सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ग्रामीण कैडर को मर्ज कर पदोन्नति दी जाए, जिससे कि निचले कैडर में पद खाली होंगे, जहाँ इन संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों को नियमित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से खाली होने वाले पदों पर नए पद भी सृजित किए जा सकते हैं। ये आयुर्वेद चिकित्सकों का जो कि संविदा पे NRHM में कार्य कर रहे हैं, वो हमारे छोटे बंधु हैं। उनको आज 10वां दिन हो गया, इनके एक पार्ट को नियमित कर दिया गया, कुछ लोगों को, बाकी लोगों को नियमित नहीं किया गया, उसके संदर्भ में ये आंदोलन हो रहा है। सरकार से इनकी और हमारा राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सक संघ जो है, उसकी पूरे संघ की इनके समर्थन में ये मांग है कि इन्हें भी नियमित किया जावे। उसके रेफरेंस में सरकार से हम ये मांगना चाहते हैं कि इनकी पोस्टें बढ़ के और पदोन्नत इनको किया जाए। उसका तरीका ये, इस विभाग में 2 तरह के कैडर है, ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक कैडर और एक दूसरा है आयुर्वेद चिकित्सक कैडर। तो यदि ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक कैडर को इसमें नियमित कर दिया जाता, वो मर्ज कर दिया जाता है, तो पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा और पद खाली हो जाएंगे, आयुर्वेद की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे और पद खाली हो जाएंगे पदोन्नति होने पर। अभी पदोन्नति में बाधा आ रही है, तो यदि पदोन्नति से वो पद खाली हो जाएंगे तो आप नियमित हो जाएंगे। बड़ा आसान रास्ता है, कोई बड़ा टिपिकल काम नहीं है, इसमें 1 रुपये का भी भार सरकार के ऊपर अतिरिक्त नहीं आना है। इसलिए सरकार से हमारी ये मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द ग्रामीण कैडर को मर्ज करते हुए उसमें पदोन्नति करते हुए और इनको नियमित किया जाए। इसके बावजूद भी यदि और पद घटते हैं तो सरकार अपने स्तर पर नए पद सृजित करे और इनको नियमित करे। यदि यदि ये मांग सरकार ने नहीं मानी तो हमें अन्य कदम पर विवश होना पड़ेगा, हमारे को अपने छोटे भाइयों का साथ देना पड़ेगा और हम भी आंदोलन पे कल आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज आप आंदोलन कर रहे हो आज इनके साथ?
हाँ आज हम इनके साथ बराबर इनके समर्थन पर धरने में बैठे हैं।